अब हम बनाएंगे पोहे का चिवड़ा। इसे हमने बहुत ही कम तेल में बनाया है। ये बहुत हेल्दी एंड क्रिस्पी एंड टेस्टी है। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए हमने लिया है लगभग 200 ग्राम ये पतला पोहा, सींग दाना, रोस्टेड चने की दाल, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते, पाउडर शुगर, ड्राई कोकोनट जिसके हमने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं, हल्दी और नमक। अब सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसे हाई फ्लेम पे थोड़ा गर्म कर लेंगे, फिर ये पोहा इसमें हम डालेंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से रोस्ट हो गया है, ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। इसे रोस्ट होने में लगभग 10 मिनट लगे। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे और इसी पैन में हम ये रोस्ट दाल डालेंगे। इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है ताकि और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। दाल भी हमारी रोस्ट हो गई है, इसे भी हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा हम उसमें ये मूंगफली के दाने डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करने हैं। ये देखिए, ये भी एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये कोकोनट डालेंगे और इसे भी हल्का क्रिस्पी करेंगे। ये देखिए, ये भी एकदम क्रिस्पी हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, इसे भी हमें एकदम क्रिस्पी करना है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे करी पत्ते, हमें एकदम क्रिस्पी करना है। ये देखिए, ये भी एकदम क्रिस्पी हो गए और हमने इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसे हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो रख भी सकते हैं। अब हम इसमें लगभग 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। वो इसको हम हमारे इस पोहे में मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे एकदम हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि पोहा टूटे ना। अब हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे लगभग 2 छोटे चम्मच। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए हमारे पोहे का चिवड़ा एकदम तैयार है, जिसे हमने बहुत ही कम तेल में बनाया है। अब इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर लगभग 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे चकली। इसे कई तरीकों से बना सकते हैं। आज हमने बनाई है चावल के आटे की चकली। चावल के आटे की चकली बनाने के लिए हमने लिया है ये एक बाउल चावल का आटा, लगभग ये 200 ग्राम आटा है। इसे हम लेंगे, इसमें हम डालेंगे व्हाइट तिल, लगभग 2 छोटे चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट, लगभग 1.5 चम्मच। नमक, और हम इसमें डालेंगे मलाई, लगभग 2 छोटे चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने इसमें लगभग 1 छोटी कटोरी मलाई डाली है। ये देखिए ये इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, एकदम हमें टाइट ही रखना है। ये देखिए ये हमारा एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से ये मशीन में ये वाली जाली लगाएंगे, स्टार वाली। इस तरह से इस मशीन में इसको डालेंगे और पैक करेंगे। ये देखिए इस मशीन से हमने इस तरह से निकाला है। अब इसको हम इस तरह से राउंड शेप देंगे, एकदम हल्के हाथों से। और इसको इस तरह से पैक कर देंगे। इसी तरह हमें सब बनाना। ये देखिए हमने सारी चकली इस तरह से राउंड शेप में बना ली है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट मशीन से राउंड घुमाकर भी ऐसा शेप दे सकते हैं। सब चकली बनके तैयार है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन में ये ऑयल गरम रखा है। वो जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम उसको इस तरह से उठाएंगे। इसे हमें हाथ से नहीं उठाना है, नहीं तो वो टूट सकती है। हमें इसको इस तरह से उठाएंगे। इसके लिए हमें अच्छे से पैक किया ताकि वह तेल में जाके खुले ना। अब गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए ये एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसी तरह हमको सब चकली को डीप फ्राई करना है। ये देखिए हमारी सारी चकली बनके तैयार है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा करके
एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये लगभग एक महीने तक रह सकती है। अगर आपको मेरी ये सब रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।